कैसे हो आप सब? सब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी पराठा, और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा, और बहुत ही सिंपल है, मतलब 10 मिनट में ही बनके तैयार हो जाएगा, बच्चों के लिए खास तौर पे आप बनाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम ले लिए हैं चुकंदर, दो अच्छे से धो के इसको काट लिए। देखिए छोटे छोटे स्लाइस में इसको क्या करेंगे कि यहाँ गर्म पानी में हम उबालेंगे 80% तक इसको उबालेंगे बढ़िया से, मतलब 80% तक, थोड़ा सा कच्चा रहना चाहिए, बाकी मतलब उबल जाना चाहिए। और यहाँ हम स्टवी तैयार कर लेते हैं पराठा के लिए। तो सबसे पहले यहाँ हम लिए पनीर, थोड़ा सा हमारे पास पनीर था, तो अगर आपके पास है पनीर तो आप बना लीजिए, ऐसे बहुत ही मतलब हेल्दी है, बच्चों के लिए आप टिफिन बना सकते हैं, नाश्ता बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो चुकंदर खाएंगे नहीं बच्चे, खासकर तो नहीं खाते हैं अधिकतर बच्चे, तो आप ऐसे बना के आप उनको दे सकते हो। तो पनीर को ऐसे हम कद्दूकस कर लेंगे, छोटे बड़े जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हैं, जैसे मतलब मर्जी जैसे वैसे आप इसको कद्दूकस कर लीजिए बढ़िया से। इसको मतलब बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहना चाहिए, छोटे छोटे हो जाएंगे, इससे क्या होगा कि बढ़िया से मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब तक यहाँ हमारा चुकंदर भी उबल चुका है, गैस को हम बंद कर दिए हैं, यहाँ 80% तक ये पक गया है, और यहाँ इसको ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ स्टफी में हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बच्चे के लिए बना रहे हो तो। दो यहाँ हम प्याज काट दिए हैं बारीक, वो डाल देंगे, दो बारीक कटा हुआ प्याज। ये बहुत ही सिंपल और हेल्दी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई करिएगा। हल्का सा हम नमक डाल देंगे, मतलब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच यहाँ हम काश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, जिससे कलर आएगा लेकिन तीखा नहीं होगा। सारी चीजों को हम बढ़िया से मिला लेंगे, ये देखिए बहुत बढ़िया से मिला लेंगे, और ये हमारा हेल्दी तरीके से बहुत ही स्टफी तैयार है पनीर का, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलते हैं, अब यहाँ हम ग्राइंडर ले लिए हैं, मिक्सर ग्राइंडर, उसमें हम डाल देंगे चुकंदर, जो तो ठंडा है, थोड़ा सा गर्म है, आप चाहे तो पूरा ठंडा करें भी अच्छा है। और इसमें हम एक हरी मिर्च डाल देते हैं, चार लहसुन की कलियां हम डाल देते हैं, तो अच्छे से हम छील लिए थे, ये देखिए आधी छोटी चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे, और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्यूरी आप चाहते हैं, इसमें पानी की जरूरत हो तो पानी डाल दीजिएगा हल्का सा, और ये देखिए बहुत ही अच्छे, इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा। आप इसका ना लिप बाम भी बनता है, अगर उसकी और रेसिपी देखना है तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा। यहाँ हम ले लिए हैं आटा, उसमें डाल दिए हैं थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, ये देखिए। और ये प्यूरी इतनी मतलब इसका कलर इतना अच्छा आया था, इसको हम आटे में डाल के सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। अगर आपका प्यूरी अधिक हो रहा है आटे से तो थोड़ा सा आटा ले लीजिए, अगर कम हो रहा है तो ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के आटे में ऐड कर लीजिए, ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो आटा यहाँ आप एकदम सॉफ्ट लगाइएगा, थोड़ा सा मतलब गीला ही लगाइएगा, क्योंकि 10 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो ये सख्त हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, मतलब आप ले लोगे ना तो एकदम हल्का होता है। तो आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत मजा आता है इसको बनाने में। यहाँ देखिए एकदम सॉफ्ट आटा तैयार है, 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। चलिए 10 मिनट बाद यहाँ हम तवा बैठा दिए हैं, गैस से चकला ले लिए हैं, यहाँ हम बेलन ढूंढ रहे थे, कभी कभी होता है सामने होता है दिखता नहीं है, वैसे ही हो गया था हमारे साथ। यहाँ सूखा आटा ले लिए हैं परथन, उसके बाद बेलन मिल गया हमारा, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं बनाने पराठा, यहाँ स्टफी भी हमारा तैयार है। तो क्या करेंगे, सूखा आटा लगा के यहाँ रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे, क्योंकि हमें पराठा बनाना है, यहाँ हम सूखा आटा लगा के ही बनाएंगे, तो थोड़ी सी बड़ी लोई ले लीजिएगा आप। तो इसको नॉर्मली रोटी की तरह हम बेल लेंगे, और इसको बेलने में बहुत मजा आता है, मतलब बहुत हल्का होता है, बहुत बढ़िया लगता है, आप बनाइएगा खुद मतलब पता लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। चुकंदर ऐसे तो बहुत कम ही लोग खाते हैं, बहुत कम लोग को अच्छा लगता है कच्चा, तो आप ऐसे बना के खा सकते हैं। तो इसको नॉर्मली रोटी की तरह हम बेल देंगे, देखिए बिल्कुल रोटी की तरह हम बेल लिए हैं, बड़ा सा भर के 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच ये देखिए पनीर का स्टफी भर लेंगे, ऐसे फैला लेंगे इस पे। तो दोनों तरफ से हम फोल्ड कर देंगे इसको ऐसे, जैसा दिख रहा है, उसके बाद साइड से भी ऐसे मोड़ देंगे, और इसका चार कोण पराठा तैयार कर लेंगे।
जैसे आप पराठा बनाते हो, जैसे जैसे मतलब आप बनाते हो वैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ऐसे ही बनाते हैं चार कोण, अगर वैसे त्रिकोण वाला भी बनता है तो वैसे ही बनाते होंगे तो वैसे भी सही है, वैसे भी आप सभी भर सकते हैं, या फिर गोल बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। जैसे आप बनाते हैं वैसे ही हल्के हाथों से आप बेल लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा, बढ़िया से ये तैयार हो जाएगा। तो जैसे आपके यहाँ बनता है वैसे बनाइए, हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है नॉर्मली। पहले हम भी मतलब त्रिकोण बनाते थे, हमें आदत थी, लेकिन यहाँ आके ऐसा सीख लिए। ये देखिए कितने अच्छे से भरा भरा दिख रहा है। यहाँ तवा हमारा गर्म है, तवे पे रख देंगे पराठा और इसको अलट पलट के बढ़िया से सेकेंगे। तब तक हम दूसरा भी रोटी यहाँ बेल लिए हैं, और इसमें स्टफी भर लेंगे पूरा भर के। ये देखिए पनीर का स्टफी बहुत बढ़िया से भरेंगे, और ये बहुत ही हेल्दी और सिंपल तरीके का नाश्ता है। आप बच्चों को टिफिन दे सकते हैं, नाश्ता दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। यहाँ ऐसे फोल्ड कर देंगे, साइड से भी ऐसे मोड़ देंगे, बीच से भी फोल्ड कर देंगे, और इसका फिर हल्के हाथों से आप बेल लीजिएगा सूखा आटा लगा के। थोड़ा सा इसमें सूखा आटा थोड़ा ज्यादा लगता है, बाकी सब बढ़िया है। इसको हाथों से हमें पलट देते हैं। ये देखिए दूसरा हम बेल लिए हैं, कितना भरा भरा ये सफी है। साथ में हम घी लगा लेते हैं, आप चम्मच से कलछी से घी लगा लीजिएगा। यहाँ हमें आदत है तो हम हाथ से ही लगा लेते हैं, हाथ से ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए डब्बा भर के बढ़िया से घी लगा देते हैं, अलग पलट के इसको सेक लेते हैं एकदम अच्छे से क्रिस्पी होने तक। देखिए अगर थोड़ा सा क्रिस्पी मतलब बनाना चाहते हैं थोड़ा सा ज्यादा, तो आप ऐसे कलछी से दबाएंगे ना तो ये क्रिस्पी होता जाता है जल्दी से, ऐसे जल्दी हो जाता है। तो दबा दबा के बढ़िया से इसको तैयार कर लेंगे। पता नहीं लगता कि ये पका है कि नहीं, लेकिन ये पक जाता है जैसे नॉर्मली रोटी जैसे पकता है, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि पूरा ये रेड रेड है तो पता नहीं लगता। तो यहाँ दूसरा भी हमारा तैयार है स्टफी करके। यहाँ चार हम बनाए थे उतने में, उसको दही के साथ आप खाइए, चटनी के साथ खाइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।